काम क्या जी, क्या क्या बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो? भोक्ता है ये, भोक्ता क्या बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो? कुत्ते बेच रहे हैं जी, कुत्ते बेच रहे हो? ये देखिए, ये रिपब्लिक कुत्ता, ये एबीपी क्या है, ये बीपी कुत्ता, ये सारे कुत्ते हैं जी, अलग अलग वेराइटी के, ये भोक्ते हैं। आपको कैसा चाहिए? ऐसा चीज बहुत भोंकता हो? वही ये लो रिपब्लिक, इतना भोंकता है, इतना, ये तो काटता भी नहीं, इसके दांत भी तुड़वाती है। आप एक बार गओगे ना भोंकने के लिए, फिर ये 6 दिन तक भोंकता रहेगा। आपको रोटी भी नहीं डालनी है, कोई ना एक बार रोटी डाल दो तो खाता आता नहीं है, इतना सा टुकड़ा डाल दो वो भी खराब सा, फिर भोंकता रहता है जी। पूछ भी हिलाता है, अच्छा, बहुत अच्छा हिलाता है। ये ले लो आप, तो ये अपनी मर्जी से बिल्कुल अभी निकल जाएगा, फिर ये अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं बोलता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता है। आप जो कहेंगे ना वही भोंकता रहेगा, ये थकता नहीं है, इसकी यह खासियत है। अच्छा अच्छा, गजब का कुत्ता है। इस नस्ल के तो बहुत कम कुत्ते बच्चे हैं, ये तो है ही ऐसा। इसके अलावा और कौन कौन सा कुत्ता है? एक ये जो कुत्ता है ना, ये छिनूज, ये छिनूज, ये भी गजब का है। ये इसकी बराबरी तो नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें कम्पिटिशन है। ये भी मतलब भोंकता है, इतना भोंकता है, ये झूठ भी बोलते हैं सारे। अच्छा, बहुत झूठे हैं, झूठ बोलने वाले एक नंबर के झूठे हैं। तो ऐसे तो नहीं है मेरा खेत बेच देंगे, मुझे बोलते रहेंगे खेत अभी भी है, खेत अभी भी है। देखो ये विश्वास है, इसकी गारंटी नहीं है, पर कुत्ते बेच रहे हैं खेत, खेत नहीं, ये खेत बेचते तो बेच देंगे। अच्छा, खेत नहीं बचा सकते इनके भरोसे, खेत नहीं छोड़ना, ये तो मैं पहले कह देता हूँ। ये तो बेच देंगे पीछे से, इन्होंने देश बेचने की तैयारी कर रखी है, आपका तो खेत है छोटा सा। भी आ रहे हैं जी, मोहल्ला भी चुभी आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, बहुत भोंकते हैं, रात को भोंकते हैं, देखो जी, रात को घट भोंकते हैं, दिन में ज्यादा बोलते हैं। तो इन कुत्तों को चुप करवाने आए हो क्या यहाँ पे आप? हाँ, इन्हें चुप करवाने आए हैं। अच्छा, पूरे इन्हें चुप करा के जाएंगे, अपना हक लेके जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, ये कुत्ते डर जाएंगे सब? हाँ डरेंगे। अच्छा, जनता तक जरूर डरेंगे, सारा हिंदुस्तान का डरेंगे। आप इसके साथ कोई भी फ्री ले सकते हैं, इसके साथ एक के साथ एक फ्री ले लीजिए। लेकिन घर में ऐसे झूठे दो कुत्ते रख लिए, हाँ, उससे हमको तो नुकसान नहीं हो जाएगा? जी ये नुकसान नुकसान किसी का नहीं करेंगे, ये तो खाली झूठ ही बोलते रहेंगे। अच्छा, झूठ से नुकसान हो जाएगा, मतलब जो भी ये बोले उसका उल्टा समझ लें। हाँ, ये करना, ये भोखे ना तो आप सोच लीजिए कि चोर आया नहीं है। अच्छा, ये जब तुम बोलता है तो सोच लीजिए कि चोर आ गया, ये चोर आएगा तो नहीं भोखेंगे। अच्छा, आपके खेत में अगर कोई पशु घुस गया तो नहीं भोंकेंगे, ये तो अकेले ही शेर बने बैठते हैं, सामने बिल्ली भी दिख गई ना तभी डर जाएंगे, डरपोक में। अच्छा, लेना क्या? नहीं 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 साहब, भरोसा नहीं है इस कुत्ते मेरे को। ऐसे ऐसे ग्राहक आते हैं, चार कुत्ते लेके बैठे, वही नहीं दिख रहे।